अखरोट खाइए भिगो के खाइए और भी अच्छा जिसका ब्लड प्रेशर कम रहता हो बहुत कम रहता हो तो वो दस पंद्रह दाने जो है किशमिश के रात भिगो दीजिए चबा के खा लीजिए जिस पानी में भिगोया वो पानी भी पी जाइए आप देखें और थोड़ा सेंधा नमक पिंक सॉल्ट पत्थर वाला जो होता है ना वो एक बड़ी चुटकी नम पानी में डाल के बीपी कम है तो वो पी लीजिए पर रोज आप वो किशमिश खाइए और सक्रिय ध्यान करिए बढ़िया हो जाता है संतुलित होगा मदद करेगा तो नट्स खाने चाहिए आ, मेरे को वो एक अंग्रेजी की कहावत बड़ी अच्छी लगी थी डोज ईट नट्स डोंट गो नट्स माने अंग्रेजी में पागल को नट्स बोलते हैं जो रोज खाए नट्स वो पागल नहीं होगा क्योंकि मस्तिष्क की वो खुराक होती है आ, और एक चम्मच फ्लैक्सीड अलसी साबुत अलसी उसका पाउडर बनाइए एक छोटा चम्मच अलसी का ले लीजिए बेस्ट सर्दी में एक चम्मच सेसमी तिल सफ़ेद तिल वो ले लीजिए गर्मी में थोड़ा सा परहेज रखिएगा तो तिल गर्म होता है तो इसमें तिल को पीस के पानी में घोल के लीजिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए दो चार घंटा तो ये तासीर उसकी बदल जाएगी वो ले लीजिए ये अभी आ रही न होली तो होली पर आ, हम बनाते हैं एक आ, तो उसमें खसखस -खस पड़ेगी और चारों मगज पड़ते हैं छोटी वाली इलायची और काली मिर्च पड़ती है और उसी का खास गुण होता है कि उसमें वो थोड़ा हुआ थोड़ा पिसा हुआ ये जो हम दाना डालते हैं खसखस वाला वो भिगो के उसी में तिल डाल दीजिए भिगो दीजिए पीस लीजिए डायबिटीज नहीं है तो शक्कर डालिए दूध डालिए पी जाइए तो ये आपकी सर्दियों की जो अंदर जमा कफ होती ना वो निकालने में मदद करता है ये समय वमन का समय है इसमें कफ बाहर निकलता है जिनका ना निकले वह आती गर्मी में बीमार होंगे इसलिए इस मौसम में कुंजल क्रिया करना वमन क्रिया करना बहुत अच्छा होता है तो अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखना चाहिए अगर आपका शरीर मन जिसको हम कहते हैं हीटेड है सिस्टम इन्फ्लेम्ड है सूजन है वो सूजन आपकी धमनियों में हो कि लीवर में हो वो आपको बहुत गुस्सा दिलाएगी कई बार गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि आपके मन में सही में गुस्सा है वो कई दफे जो मन में गुस्सा दिख रहा है हम इसको आयुर्वेद में या टीसीएम टी में ट्रेडिशनल पंक्चर जो चाइनीज मेडिसिन है उसमें हम कहते हैं हीटेड लिवर लीवर यंक राइज करती है जब तो बंदों को बहुत गुस्सा आता है तो ऐसे में किसी अच्छे वैद्य से उसकी औषधि करने पर ये जो हीट्स ये जो गर्मी आपके जिगर में आ गई है इसको दूर करने से बंदे को गुस्सा कम आएगा जब गुस्सा कम आएगा तो ज़ुबान पे गंदगी नहीं आएगी गाली गलौच नहीं आएगी इरिटेशन नहीं आएगी ऐसे तो आजकल जिसको देखो इरिटेटेड है सड़े पड़े हैं सब हरा तो कोई है ही नहीं चिड़चिड़े सड़े दुखे दुखे समझते हो वो लकड़ी गीली हो आग लगाओ ना तो जलती भी नहीं पर धुआं भी छोड़ती रहती ऐसे ही तुम लोग हो धुआ ही छोड़ता रह तो जल जाओ तो अच्छा है ना पर तो जलना मतलब होश में जलना तो मन में क्रोध आता है तो जुबान खराब होती अब जो कर्म हो गया उसका क्या करें उसका बस ये कर सकते हैं क्षमा याचना करिए और अपने मन और शरीर को संतुलित करिए जब आप ये करेंगे तब आपकी जुबान भी लगाम में रहेगी क्योंकि मन लगाम में रहेगा एक बार गुरदासपुर में मैं किसी के घर में ठहरी हुई थी ऊपर था कमरा मेरा तो so, हम नीचे कब आए घर के मालिक को पता नहीं चला तो वो अपने ड्राइवर को खूब जी भर के गाली गलौज कर रहा था इतने में उनका लड़का भाग के गया अरे नीचे आ गए गुरु नीचे आ गए खड़े सुन रहे अच्छा 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 पहले दस दस जी आ उतरा टोन बदल गई भाषा बदल गई हम तो खूब हंसे और वो बेचारा ड्राइवर हैरान परेशान वाला अभी तो गाली दे रहे थे अभी आप उतरा बोल रहे तो उसको बाद में समझ लगी कि ये जो गेर बदला है इनका ये क्यों बदला तो उनका वो ड्राइवर आज भी है और अभी भी जब देखता है तो उसको वो घटना याद आ जाती है बाद में मालूम हुआ कि कहते जी साहब तो गालियां देते ही रहते हैं ऐसे अब ये साहब वो हैं जो हमारे चेले हैं और चेला जी गालियां देते हैं तो हम मैंने कहा है गाली देते हैं कहते नहीं महाराज अब नहीं दूंगा अब नहीं दूंगा कभी नहीं दूंगा झूठ बोल रहे थे क्योंकि एक ही दिन में ऐसे तो पलटी नहीं लगती पलटी लग सकती है अगर दिल में बात जम जाए सब विच राम मेरा कोई भी ते गैर नहीं छोटा नीचा कोई नहीं फिर आप बदतमीजी किसी से नहीं करेंगे लड़के को बहू को बेटी को दामाद को नौकर को नौकर को रिक्शा वाले को रेडी वाले को लोग बदतमीजी करते मेरा एक अनुभव एक बार हम दिल्ली चांदनी चौक सुबह सुबह चले गए छह बजे वो भी मेट्रो में बैठ के सब कहे है इसे कैसे जा सकते मैं नहीं बाज तो मन है जाएंगे हम तो चले गए कौन रोकेगा महाराज हमको अच्छा वहां हम शीशगंज गुरुद्वारा गए आ, फिर बाहर निकले तो वहां रेड़ी पर वो फल बेच रहा था तो मैंने उसको अब उसको नहीं पता मैं कौन हूं तो मैंने उससे पूछा कितने के है पर ये सब बातचीत शुरू हमने बाद में करी पहले कहा नमस्ते जी तो ऐसा है कि मुझे देखते ही कौन है जो मुझे नमस्ते बोल रहा है क्योंकि उन्हें आदत है ओए ओए इधर आ नमस्ते कौन करता हो उनको नमस्ते जी कैसे हो उसकी शकल बिल्कुल बदल गई मैं तो अच्छा हूं मैं कैसे दिए शायद पचास रुपया किलो उसने बोला नहीं 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 ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल ठीक है मैंने तुम्हें पचपन रुपये बेचने चाहिए कहां खड़ा है तू गुरु महाराज के द्वार पर तो तुमको यहां आके खड़े होने के लिए ही मैं पांच रुपया ज्यादा दूंगी वो हंसे आगे से मैं चख के देखूं मैं तो इसके पैसे भी जोड़ लेना बले। तो भले तो हमने चखा मैं चीज़ तो अच्छी ला दो ले लिए तो मेरे साथ जो थे मैंने कहा इसको तो पता नहीं पर तो तुम इसके साथ मेरा फोटो लो तब तो हम फोटो करेंगे वो बड़ा खुश बोले हाँ जी आओ फोटो लिए और फिर वो कहता है कि उसने ऐसा ना मुट्ठी भरे और जामुन थे खूब सारे जामुन उसने तोल चुका है तो उसमें ऐसे और भरे उसने मैं ये क्यों कह रहे नहीं 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 मेरे को अच्छा लग रहा आपको देना उसे नहीं पता मैं कौन हूं लेकिन उस गरीब आदमी की दिलेरी देखिए दिलेरी देखिए कितने देर तक तो हम मेरे जितने साथ हमारे चेले चपाटड़े वो तो मजा ले और खासे बोले हो क्या रहा है वहां हमें भी तो कहां मौका मिलता है ना ऐसे जाना कुछ खरीदना किसी से बात करना और खासकर उससे जो मुझे जानता भी ना हो तो उस भाई ने हमें इतने प्यार से सामान दिया हमने उससे लिया और उसने और भी भर के दिया मुफ्त में दिया क्यों दिया सम्मान और प्यार जो हमसे उसको मिला उसने उसके दिल के द्वार खोल दिए तो अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ख्याल रखना वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकता ऐसे बहुत से किस्से मतलब जब कोई मिलता है तो हमारी तो चर्चा ऐसे ही होती अब जैसे यहां कई बार नए आते हैं अन्नपूर्णा में काम करने वाले नाराज रसोइया पूछते हो क्या नाम है नाम अब बोलेगा कहां से आए हो मतलब गांव से आया गांव कहाँ है तुम्हारा बोले जौनपुर में मैं जौनपुर में कहा <laughs> तो अपने गांव का उसने नाम लिया ऐसे ही अभी पीछे कोई आ, मैं कहां से हो कहते हो यूपी से मैं यूपी में कहा कहते जी आप नहीं जानते हो मैं तो बोल तो सही तो बहराइच से मान ले बहराइच से तो हमारे एक स्वामी जी मित्र थे स्वामी जीतात्मानी जी। बहराइच के थे तो वो ये जो हम गाते हैं ना आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर लो ये उन उनसे हमको मिला था ये उनके मुख से सुना था मैं मतलब बहराइच के तो हमारे स्वामी जीतात्मा जी है तुम तो फिर अपने वाले निकले वो पहले जब मैं पूछ रही थी ना कहा से हो गांव का है तो उसे लगा जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही होती मतलब कोई शक शुबा है ना क्या है से पूछ रहे जब उसको मैंने कहा नहीं अरे वह हम तो जानते हैं ऐसे ही कोई एक और आए बोले हम जालौन से मैं हम जालौन तो सच संघ की है। बोले हाँ। <laughs> जालौन दाना मंडी में कह रहे सच में आप दाना मंडी में आए थे मैं बिल्कुल दाना मंडी में आए थे वहीं एक गुप्ता जी थे जो ट्रेडर थे उनके घर में मुझे रात रुकाया क्योंकि मंडी में लाइट नहीं थी तो मेरे लिए स्पेशली बाकी सब साधु संत तो मंडी में रुके रात लाइट नहीं है तो भी पर मेरे लिए उन्होंने स्पेशल इंतजाम किया हम तो जलौन में सत्संग किए पर बड़ा मजा आया जब उन्होंने बोला नहीं मैंने हाँ अब <laughs> वो जब तक यहां काम किए मैं ये बनाऊं मैं ये खिलाऊं मैं वो बनाऊं, मैं ये करूं उसकी मौज प्यार हमारी मौज प्यार थोड़ा ये स्वभाव थोड़ा ये व्यवहार सीखिए आप जो सामने मेरे खड़ा है वो कोई और नहीं मेरा राम ही है जो मेरे सामने है कोई और नहीं है मेरा राम है मैं मेरे राम से बात कर कैसे करेंगे आप बात जो मेरे सामने है वो मेरे गुरु का ही प्यारा है कैसे करेंगे बात आप हाँ? जैसे मेरे से करो वैसे हमारे शिष्य से करो सामने वाला समझे ना समझे तुम तुम्हारी संस्कृति संस्कार तहजीब कभी ना छोड़ो बाकी जो कर्म का तीर हो गया उसकी फिक्र ना करिए अब उसके बाद आप शुभता के तीर और छोड़िए पुण्य के तीर और छोड़िए सेवा वाले तीर यह भी तो कर्म है ना जो नए नए अच्छे अच्छे तुम करोगे तो रोज एक नया गीत गाया जाना चाहिए रोज नया एक गीत गाया जाना चाहिए और रोज इस गुलिस्ता में मोहब्बत के कुछ फूल खिलाया जाना चाहिए कोई सुने ना सुने तुम्हारी बात पर प्रेम का राग अलापते रहना चाहिए ये रोज होना चाहिए समझे नहीं समझे भाई तुम तो मजे लो कर्म का फल क्या होगा कर्म का फल जब हम करते हैं आधा तभी मिल जाता है बाकी बाद में आ जाता है हमें नहीं पसंद बुरा कुछ आए बुरा करो मत पर मेरे कहने से नहीं रुकेगा उसके लिए मन पर दृष्टि देनी होगी कैसे इच्छा अपेक्षा छोड़नी होगी कैसे मन में भक्ति भाव नम जब को बढ़ाना होगा एकदम ठंडा दिमाग रखिए और फिर इच्छा अपेक्षा के बगैर कभी कुछ अच्छा मिल जाएगा कभी कुछ बुरा भी मिल जाएगा बुरा मिले तो जानो कोई अपना कर्म होगा अच्छा कुछ हो तो भी जानो कोई कुछ अच्छा कर्म हो गया हमसे कि अच्छा आ रहा है बाकी तो दुनिया है मेला मेले में धक्के भी मिलेंगे मेले में मिठाई भी मिलेगी क्या दिक्कत है जब मिठाई मिले कहो वाह वाह और जब धक्के मिले अभी हम पुरी मंदिर गए ना मेरे लिए हालां उन्होंने स्पेशल रखा था दर्शन कि सुबह इस समय आओ आपको ले जाएंगे पुलिस थी साथ में अच्छा ले गए लेकिन भीतर एक दफ़े आप पहुंच जाते हैं गर्भगृह में वहाँ तो सब बराबर एक जैसे सब खिचड़ी हो जाता है अब वहाँ महाराज इधर से धक्का उधर से धक्का पीछे से धक्का आगे से धक्का धक्का ही धक्का सैंडविच बन गया मेरा और जितने जोर से धक्का पड़े हम कही जय जगन्नाथ धक्का पड़ा जय जगन्नाथ मेरे सब शिष्य ने से मेरी ओर घेरा बनाया हुआ था वो बड़ा घबरा रहे थे डर रहे थे हैं कि और जब पड़े धक्का और वो मैं कहा बोलो जय जगन्नाथ और फिर जय जगन्नाथ करते करते धक्के धकेले हुए बाहर आ गए अभी जब अयोध्या गए ना प्रतिष्ठा कार्यक्रम उसमें भी यही हुआ पहले हम रुके रहे कि अंदर अभी नहीं जाएंगे बड़ी भीड़ है भाई साधुओं की महात्माओं की भीड़ मुझे तो, तो चले अंदर तो साधुरा साइड में बैठी थी बोले चले अंदर मैं चलो तो हमको साइड वाले डोर से अंदर ले गए अब हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और धक्का आया दे अंदर, ये देखो दे अंदर अंदर पहुंचे पर अंदर थी इतनी भीड़ लोग जमे पड़े ना आगे ना पीछे इतने में ऐसा ऐसा ठसा ठस थस भरे तो इतने से एक इधर से आया धक्का और हुआ यूं कि एक पॉइंट में फिर हाथ छूट गए वो रह गई पीछे हम आ, हम धक्के ले गए आ गए अब पीछे दिख नहीं रहा मेरे साथ कौन है कौन नहीं है तो उनकी शिष्याएं थी कुछ और थे साथ एक वो साधवी निरंजन ज्योति थी वो भी पीछे रह गई हम अकेले उस भीड़ में अब मैंने कहा भैया अब तो कुछ लीला करनी पड़ेगी तो हमने कोहनिया करी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री, श्री राम साइड से हम बाहर आ गए <laughs> फिर, फिर इतने में वो कहते हो गए दर्शन मैंने कहा नहीं हम ऐसा हुआ कहते चलो फिर चलते सेकंड टाइम फिर गए फिर यही हुआ फिर फर्स्ट जय श्री राम आता ही करना हनुमान जी वाला पोज था ये ये जय श्री राम इधर से बच्चे इधर से बच्चे साइड में आ गए तीसरी बार फिर मैंने कहा आप ये जय श्री राम ऐसे नहीं होगा अब तो ऐसे बड़ा अजब था पर बड़ा आनंद लिया जगन्नाथपुरी में भी आनंद लिया अये अयोध्या जी में भी बड़ा ये इतना आनंद लिया और उसका एक अपना मजा है तो कौन कहते धक्के खाए अरे ये बड़े मजेदार धक्के जो राम के दर पर धक्के खा लेते ना उनको दुनिया में धक्के नहीं खाने पड़ते तो भगवान के दरवाजे में खा लो धक्के क्या दिक्कत है इसमें भी एक बड़ा आनंद होता है इसमें भी बड़ा आनंद होता है तो आनंद लेना चाहिए दुख का भी सुख का भी मन का भी अपमान का भी सब सा, सब अच्छा